हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे अपने मोबाइल से जमाबंदी कैसे निकालें, वो भी फ्री बिना किसी ई मित्र की सहायता से। तो जमाबंदी का वैसे ई मित्र वाले 50 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया कितना भी लेते हैं, लेकिन आज के बाद में आप मात्र अपने मोबाइल से 0 रुपये में निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चलें और देखें किस प्रकार जमाबंदी निकलेगी। इसके लिए सर्वप्रथम हमें गूगल ब्राउजर है उसका यूज लेते हैं। अपने इंटरनेट सेवा का कोई सा भी ब्राउजर हो उसमें ओपन करें, जैसे गूगल या गूगल क्रोम। जब अपना ब्राउजर ओपन हो जाए तो उसमें हमें टाइप करना होगा जन सूचना पोर्टल, जिसकी साइट आपको दिखाई दे रही है, जन सूचना डॉट राजस्थान GOVT.IN पर। ओपन के बाद में आपको जन सूचना पोर्टल का होम स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जहां पर आप A to Z पर क्लिक करें और नीचे जितने भी स्कीम दिए हुए हैं वहां पर स्क्रॉल डाउन करते जाए। यहाँ पर आपको कॉपी जमाबंदी दिखेगा, वहां पर क्लिक करें। सर्वप्रथम हमें जिला चयन करना है और जिला में आपकी तहसील वगैरह वो डिटेल आप भरते जाएं और आपकी जमाबंदी निकल जाएगी। तो सबसे पहले हमें हमारा जिला है, कौन सा भी जिला हो, जैसे चूरू है, फिर तहसील चयन करें, फिर आप अपना गांव का नाम पर टिक करें। फिर आपको खाता संख्या लिखना होगा, आपका जमीन का खाता संख्या होता है 1 2 3, जो आपकी जमीन की पासबुक होती है उस पर लिखा हुआ आता है खाता संख्या, वो यहाँ पर टाइप करें। अगर आपके पास खाता संख्या न है तो वो भी डिटेल मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपके पास खाता संख्या न है तो आप कैसे अपनी जमाबंदी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अगर खाता संख्या है तो आप यहाँ टाइप करके अपना जमाबंदी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने खाता संख्या 1 टाइप किया है, अपना नाम भरा है और मेरा मोबाइल नंबर दिया है। और अपना एड्रेस दें, और खोजे पर सर्च कर दें। इसके बाद में आपके पास यहाँ पर PDF फाइल आ जाएगी, जिसे आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपके पास जमाबंदी निकल कर आ जाएगी। तो देखते हैं किस प्रकार PDF होती है। यह जमाबंदी हमारी आ गई है। यहाँ पर गांव का नाम, पटवारी, हलका, भूमि क्षेत्र, तहसील, जिला सब लिखा हुआ, जमाबंदी तारीख सब है। यहाँ पर जो भी क्षेत्र है, कौन सी कितना खाता संख्या, कौन सी जमीन कहाँ के नाम पर है, जैसे ये हमारे गांव की जमीन है उसकी संख्या है, जैसे आबादी है, गोचर भूमि है, शमशान भूमि है, सब इसमें लिखा हुआ है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी इस जमाबंदी का फायदा उठा सकें कि किस प्रकार ये जमाबंदी निकलती है। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि जमाबंदी कैसे निकालें। ये लगभग सभी डॉक्यूमेंट में
जरूरत भी होती है, जैसे केसीसी वगैरह बनाते हैं तो वहां पर जमाबंदी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए अपनी जमाबंदी कैसे निकालें वो आपको आना चाहिए। तो आप अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। प्लीज तो बस इतना ही, धन्यवाद सभी दोस्तों का जो भी हमारी वीडियो पर इतना लाइक शेयर कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, तो उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो भी शेयर कर रहे हैं हमारी वीडियो, उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।